Friends, we start our fourth question. The fourth question is that you have to find the greater one. ये आपको दो नंबर्स दिए हैं, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? क्लियर? सो वी एक्सपेंड ऑन योर फर्स्ट इज 4 raised to power 3. 4 raised to power 3 मीन्स वी मल्टीप्लाई इट्स बेस, बेस क्या हमारा 4, मल्टीप्लाई इट्स बेस 3 times. हमने इसके बेस को 3 times मल्टीप्लाई किया. क्लियर? सो क्या बन गया? 4 4 16, 16 4 64. क्लियर? 4 raised to power 3 का मतलब क्या है? आपने 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से. क्लियर? नेक्स्ट इज 3 raised to power 4. 3 raised to power 4 मींस यू मल्टीप्लाई 3 टू इटसेल्फ 3 टाइम्स. क्या 3 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स. 3 थीज आर 9, 9 थीज आर 27, 27 चीज आर 81. ये कितना बार आया? 81. सो नाउ टेल मी, 64 इज ग्रेटर या 81 इज ग्रेटर? 81. अब 81 किससे बना है? 3 रेज टू पावर 4. सो दैट मींस 4 क्यूब एंड दिस इज 3 रेज टू पावर 4. सो दैट मींस 3 रेज टू पावर इज ग्रेटर. दिस नंबर इज ग्रेटर. क्लियर? So now next part is same as it. 5 raised to power q, q means 3, and 3 raised to power 5. So 5 raised to power 3, इसको पहले expand करेंगे. 5 raised to power 3 means we multiply 5 to itself 3 times. हम 5 को अपने आप से 3 बार multiply करेंगे. Clear? So then 5 5s are 25, 25 5s are 125. Then next is 3 raised to power 5. 3 raised to power means 3 multiplied to itself 3 times, 5 times. 5 power है ना, जितनी power होती है उतने times base अपने आप से क्या होता है? Multiply होता है. 1, 2, 3, 4, 5. So कितना बन गया? 3 threes are 9, 3 threes are 9, 9 threes are 81, 81 threes are, that is 243. क्लियर? आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो साइड पे. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are, that is 243. क्लियर? सो नाउ व्हिच इज ग्रेटर, 243 ग्रेटर है या 125? 243. अब 243 कहां से आया हमारा? दैट इज 3 रेज टू पावर 5. सो मींस this is 5 cube and this is 3 raised to power 5. So this is greater. So that means 3 raised to power 5 is greater. Clear? Same. Next is 2 raised to power 8. 2 raised to power 8 means we multiply 2 to itself 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times लिखते हैं हमने. तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है हमारा? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128, 128 2s are 256. क्लियर? आपने जो बड़ी कैलकुलेशन होगी, अगर प्रॉब्लम आ रही है, यू मल्टीप्लाई करते चल. क्लियर? आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 रेज टू पावर 8 हमारा कितना आ गया? 256. अब उसके बाद हमारा क्या है? 8 रेज टू पावर 2. 8 रेज टू पावर 2 मींस 8 मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ 2 टाइम्स. ठीक है? अब 8 8 का कितना बन गया हमारा? 64. 8 8 64. नाउ व्हिच इज बेटर, 256 किससे बना है? 2 raised to power 8 and this is 8 raised to power 2. So which is greater? 2 raised to power 8 is greater. Clear? So आपने इसको expand कर लेना है, जितनी power है उतनी बार base को हम अपने आप से multiply करेंगे. मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, देन यू कंपेयर व्हिच इज ग्रेटर, जो बड़ा है दैट नंबर इज ग्रेटर. क्लियर?
Now our next part is 100 raised to power 2 or 2 raised to power 100. अब 100 raised to power 2 तो हम open कर लेंगे. That is 100 raised to power 2 means we multiply 100 to itself 2 times. Clear? So 100 को 100 से multiply किया. 1, 2, 3, 4. 4 zeros are there. And 1 ones are 1. तो कितना आ गया हमारे ये 10,000. अब 2 raised to power 100 है. So we can't open it 100 times. So, ये 100 times है. अगर आप 10 times भी open करते हो, 2 को 1224 बनता है. Clear? So, 100 times open करेंगे, तो means this is the greater. 100 times वाला open होएगा, तो हम सीधा ही करेंगे, that is 2 raised to power 100. ये 100 raised to power 2 है. और दूसरा क्या है? 2 raised to power 100. So, जिसकी power 100 है, that is the greater number. अगर हमारी दो तीन पावर्स हो या 10 तक पावर हो हम ओपन करते हैं, लेकिन अब 10 से ज्यादा पावर्स आ रही है, 100 टाइम्स जा रहा है, तो 100 टाइम्स नेचुरली इट इज वेरी वेरी लार्ज नंबर. क्लियर? सो दैट मींस 2 रेस्ट पावर 100 इज ग्रेटर. नेक्स्ट हमारा क्या है? 6th पार्ट इज 2 रेस्ट पावर 10 और 10 रेस्ट पावर 2. 2 रेस्ट पावर 10, 2 रेस्ट पावर 10 मींस you multiply 2 itself by 10 times. अब 10 times अगर multiply करते हैं, ये 10 time power है, ये 2 time power है, और वो भी 10 की, 10 को 2 time multiply करोगे क्या बनता है? 10 times are 100, है ना? और 100 हमारा 2 के table में 100 कब तक आ जाता है? ये देखो यहाँ पे हमने 8 time open किया, 200 something बन गया, है ना? तो ये और ये क्या हमारा सिर्फ 100 है. सो मींस 2 रेस टू पावर 10 बड़ा हुआ. क्लियर? तो नाउ वी चेक. अब इसको मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं क्योंकि 10 पावर्स तक तो हम ओपन कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और 10 को जब हम 10 टाइम अब से आपसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 1024. क्या आंसर आता हमारा? 1024. ठीक है? और 10 रेज टू पावर 2 क्या बना? 10 टेंस आर 100. तो विच इज ग्रेटर? 2 रेज टू पावर 10 बड़ा हुआ ना, 1024 से बड़ा हुआ 100. सो मींस 2 रेज टू पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू पावर 2.